आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हाफ मैराथन का आयोजन भी किया गया। इस मैराथन में सोलन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने हाफ मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस मैराथन में दर्जनों युवक युवतियों ने भाग लिया, जिन्हें पहले आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सोलन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने हाफ मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस मैराथन में दर्जनों युवक युवतियों ने भाग लिया, जिन्हें पहले आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि हाफ मैराथन का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया है। इस मैराथन से युवाओं को शहरवासियों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में युवाओं महिलाओं और पुरुषों ने मैराथन में भाग लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक कर आपदा के समय में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना है। आज ठोडो ग्राउंड में नेहरू युवक केंद्र के सजने से एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के महिला और पुरुषों ने भाग लिया है। ये जो आयोजन किया गया हाफ मैराथन का, इसको आपदा प्रबंधन के लिए, उसकी जागरूकता के लिए किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे सोलन शहर के और सोलन जिला के जो नागरिक हैं, वो आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक हो जाएं और समय समय पर जो आपदा प्रबंधन के लिए ड्रिल्स होती हैं उनमें हिस्सा लें, और जब भी कभी आपदा आए तो उसमें क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में उनको पता चले।